नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। माइंडफुलनेस टिप्स फॉर ओसीडी की इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे कि माइंडफुलनेस क्या होता है, और इसी के साथ मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि माइंडफुल होकर हम ओसीडी के सिम्टम्स को, ओसीडी के लक्षणों को कैसे मैनेज करते हैं, उनके प्रति अपना रवैया क्या रखते हैं, या ये कहें कि माइंडफुल ओसीडी का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले जानेंगे माइंडफुलनेस क्या है। अगर सीधे शब्दों में कहें, आसान शब्दों में कहें, तो माइंडफुलनेस का मतलब होता है नॉन जजमेंटल होना। नॉन जजमेंटल मतलब बिना किसी शर्तों के, बिना किसी अपनी प्री कंसीव्ड नोशन के, बिना किसी अपनी पुरानी धारणा के, अपने प्रेजेंट मोमेंट में, अपने इस वक्त जो भी हम महसूस कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, उसके प्रति एक जागरूकता, एक अवेयरनेस लाना। सिंपल शब्दों में हम यही कहेंगे, जिसे आप कई नामों से सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, बीइंग अवेयर इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, नॉन जजमेंटल अवेयरनेस, ऐसे कई सारे नामों से, फ्रेजिस से, टर्म से जाना जाता है माइंडफुलनेस को। अपने आसपास की दुनिया को माइंडफुली ऑब्जर्व करने का मतलब यही है कि बिना किसी अपनी धारणा के प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, चाहे बाहरी दुनिया हो, चाहे वो अंदरूनी दुनिया हो, मतलब हमारा माइंड, हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग, सेंसेशन, ये सब सिर्फ ऑब्जर्व करना, बिना किसी ऐसी इच्छा या चेष्टा के कि हम इसे बदलना चाहते हैं। बस देख रहे हैं, बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस साक्षी हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि माइंडफुलनेस में हम अपनी नोटिस करने की, ऑब्जर्व करने की क्षमता, एबिलिटी को पूरे फुलेस्ट पोटेंशियल के साथ, पूरे दमखम के साथ हम उसका यूज कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, जिसमें कि हम अपने इंटरनल या एक्सटर्नल एक्सपीरियंस से स्टेप बैक करते हैं, एक कदम पीछे हटते हैं, मतलब मन में हम पीछे हटके उसे देखते हैं, और जो भी हमारी फीलिंग्स, थॉट्स, सेंसेशंस, जैसे भी वो आती हैं, जाती हैं, उनको केवल ऑब्जर्व करते हैं, उनको केवल ध्यान देते हैं, जस्ट देखते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं। हालांकि यहां देखना मन का देखना है, वॉचिंग मतलब आंखों से देखना नहीं, मन का देखना है, जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, जागरूकता कहते हैं। ध्यान दें कि माइंडफुलनेस कोई थेरेपी नहीं है, कोई इंटरवेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लक्षणों को इससे ठीक कर रहे हो, इसका इलाज कर रहे हो, ये इलाज नहीं है। एक गलत धारणा ये है कि माइंडफुलनेस एक इलाज होता है, जिसे कि आप लक्षणों को, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो होते हैं, उसको क्योर करने में, उसको ठीक करने में जैसे कि उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और माइंडफुलनेस ऐसी भी चीज नहीं है जिसे आप दिन के किसी एक वक्त में ही करें और उसके बाद पूरा दिन छुट्टी ले लें और फिर उसके बाद कहें कि हमने तो माइंडफुल हो गए, हमने तो माइंडफुलनेस कर ली, इलाज के तौर पर एक डोज ले लिया, एक प्रैक्टिस, एक एक्सरसाइज कर ली। सिर्फ इतना नहीं है, ये गलत धारणाओं की वजह से ही माइंडफुलनेस को कभी ठीक से समझा नहीं जाता, या हम बहुत बड़ी गलती, चूक कर देते हैं, जिससे कि हम माइंडफुलनेस को ना तो उसको ठीक से समझ पाते हैं और ना ही उसका ठीक से एप्लीकेशन ढूंढ पाते हैं। तो माइंडफुलनेस कोई ऐसी इंटरवेंशन थेरेपी नहीं है जिसको किया जाए, ये करने का कोई तरीका नहीं है। ये दुनिया को, अपने आसपास को, अपनी फीलिंग, सेंसेशन, थॉट को एक्सपीरियंस करने का तरीका है, एक नए तरीके से, नए नजरिए से अपने जीवन को, अपने रोजमर्रा के जो इंटरनल एक्सटर्नल जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, उनको देखने का, उनको महसूस करने का, उनके साथ होने का एक तरीका है, उनके साथ मौजूद होने का एक तरीका है, उनका साक्षी होने का तरीका है। मतलब इससे एक चीज क्लियर है कि माइंडफुलनेस ये इसलिए किया जाएगा या इसलिए किया जाता है क्योंकि हम ऐसा मानकर चल रहे हैं, या ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को, अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को हम बड़े जजमेंटली देखते हैं, उनके अंदर अपनी प्री कंसीव्ड नोशंस, पुरानी धारणाओं को ज्यादा फिट करते हैं, ज्यादा उसके नजर से देखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए माइंडफुलनेस का सबसे पहला, हम कह लीजिए कि प्रिंसिपल है, या माइंडफुलनेस की डेफिनेशन ही यही है कि जो भी चीजें हम अपनी पुरानी धारणाओं से देख रहे हैं, उनको हटाना, उनको तोड़ना, उनसे स्टेप बैक करना और फ्रेश नजरिए से अपने अनुभवों को देखना, उनका साक्षी होना, यही माइंडफुलनेस होता है। तो ये कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जिसको आप दिन के एक समय कर लेंगे और फिर छुट्टी, और फिर उसके बाद पूरा दिन नहीं करेंगे तो काम बन जाएगा, आप कहेंगे कि मैंने तो माइंडफुलनेस कर लिया। ये अपने रोजमर्रा के सुबह से शाम तक के सभी अनुभवों में, जहां जहां हमारी नेगेटिव इमोशन, नेगेटिविटी आ सकती है, सब जगह किसी भी टाइम पर एप्लीकेशन के लायक हो सकता है माइंडफुलनेस।
तो माइंडफुलनेस ऐसा नहीं, माइंडफुल एक्सपीरियंस, माइंडफुल थिंकिंग, माइंडफुल फीलिंग्स ऐसी चीज नहीं है जो कि बस एक बार कर लिया हो गया। आपको जब जब आपके मन में पुरानी धारणाएं आपको घर करेंगी, आपको घेरेंगी, तब तब आपको बहुत ही न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव, नॉन जजमेंटल तरीके से आपको ऑब्जर्व करना पड़ सकता है अपने उन इंटरनल या एक्सटर्नल अनुभवों को। इस डेफिनेशन, इस एक्सप्लेनेशन के बाद आइए अब जानें कि एक ओसीडी का माइंडफुल एक्सपीरियंस कैसा होगा। एक पल के लिए ऐसा इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए आप एक सड़क पर गाड़ी चला के जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और आपको अचानक से ऐसा सडनली ऐसा फील हुआ, ऐसा आभास हुआ कि आपने रेड लाइट जो है वो क्रॉस कर ली, मतलब आप वहां क्रॉसिंग से निकल गए, रुके नहीं, और साथ ही साथ आपको ऐसा लगा कि शायद कोई व्यक्ति आपसे हिट हुआ है, किसी को चोट लगी है, ठोकर लगी है, और शायद वो गिर पड़ा है चोट से और वो परेशान है। यहां तक कि आपके मन ने यह भी सोच लिया कि हो सकता है कि शायद वो व्यक्ति मर गया हो, शायद वो अब जिंदा ना हो, शायद मैंने उसे कुचल दिया है, शायद वो जो उसको टक्कर लगी वो इस हद तक थी कि वो व्यक्ति अब शायद इस दुनिया में ही नहीं रहा। तो ऐसे में आपने दो चीजें देखी, दो चीजों पर डाउट किया, आपको लगा कि आपका रेड लाइट क्रॉस करने पर ज्यादा ध्यान नहीं था, अटेंशन नहीं था, आपने क्रॉस कर दी, और दूसरा आपने किसी को हिट कर दिया जो या तो चोटिल हो गया या फिर वो मर गया। अब ऐसे में क्या होगा, आप बड़े एंशियस हो जाओगे। अब ये आपका ओसीडी वाला स्टाइल है, आपका ओसीडी ट्रिगर हुआ, अब आपका ओसीडी आपको ओवरपावर करेगा, आपको पूरी तरह से काबू में ले लेगा। तो क्या क्या रिएक्शंस आएंगी, पहले आप एंशियस हो जाओगे, घबरा जाओगे कि ये क्या हो गया मेरे से अचानक से, मैं तो ठीक ठाक चला रहा था, पता नहीं किसी को मारना दिया हो, एकदम से आप घबरा जाओगे, और आपको थोड़े बहुत एंग्जाइटी के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, और आप चिंता करने लग जाओगे कि भाई कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो मेरे से गड़बड़ हुई है। दूसरा, आप अपनी ऑब्सेशन में बिलीव करोगे, मतलब आप मानोगे कि हाँ किसी को आपसे ठोकर लगी है, हाँ आप मानोगे कि आपने रेड लाइट क्रॉस कर दिया है, भले ही ऐसा हुआ ना हो, भले ही किसी को ठोकर ना लगी हो, और हो सकता है कि आपने शायद रेड लाइट क्रॉस ही ना की हो, आपने ग्रीन होने पर ही सिग्नल को क्रॉस किया हो, पर आपके दिमाग में आएगा कि नहीं कुछ तो हुआ है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि ऐसा हुआ था। तो आप ऑब्सेशन में बिलीव कर लेंगे, अपने डाउट में यकीन कर लेंगे, साथ ही साथ आप ये भी मान लेते हो कि क्योंकि वो ऑब्सेशन सही है इसलिए मुझे जरा उसको चेक करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सही सोच रहा हूं कि मैंने किसी को ठोकर मारी है, रेड लाइट क्रॉस करी है, तो जरा मैं जाके चेक कर लेता हूं, एक बार देख लेता हूं। मतलब आपने ना ही सिर्फ अपने उस डाउट पर यकीन किया, आपको एंग्जाइटी भी आई, और साथ ही साथ आपने वहां दोबारा जाकर चेक करने की भी इच्छा सोची, इच्छा जाहिर की, और आपका मन इस तरह की सोच से हावी हो गया, इस सोच के काबू में आ गया, आपके दिमाग में अब यही सब चलता रहा। तो ये एक ओसीडी का स्टाइल है, मतलब ये ओसीडी स्टाइल में, ओसीडी के सिम्टम में ट्रिगर होकर अब आप उस छोटी से डाउट या छोटा सा लैप्स ऑफ अटेंशन, जो थोड़ा सा भी गैप आया था, शिफ्ट आया था अटेंशन का, उस पर इस हद तक आप डाउट कर रहे हो कि अब आपकी ऑब्सेशन ट्रिगर हो गई, और अब आपकी सारी जो थिंकिंग है वो ऑब्सेसिव हो चुकी है। इसी को ऑब्सेसिव थिंकिंग कहते हैं, आपकी ऑब्सेशन ट्रिगर हो गई, या ये कहें कि अगर हमने इसको रेगुलेट नहीं किया, अगर हमने इसको चेंज नहीं किया, तो ये ऑब्सेशन इस हद तक बढ़ जाएगा कि आप शायद कई दिनों तक इस बारे में सोचते रहें कि क्या सच में किसी व्यक्ति को मैंने मार तो नहीं दिया था, क्या सच में मैंने रेड लाइट तोड़ी थी, कहीं पुलिस तो मेरे पीछे नहीं आ जाएगी, क्या सच में मेरे अगेंस्ट कोई केस तो नहीं हो जाएगा। आप बहुत वर्स लेवल तक इस घटना को, जो कि शायद एक छोटा सा सोच का अटेंशन की भूल हो सकती थी, आपने उस पर एक ऑब्सेसिव रिएक्शन दिया, ओसीडी आपका ट्रिगर हुआ, और आप फुल ब्लोन ओसीडी के एक एपिसोड में चले गए, हालांकि इसे एपिसोड नहीं कहेंगे, बट एक पूरी एक श्रृंखला में, सीक्वेंस में आपके बहुत सारी थॉट्स आने लगी, और आप घिर गए, ट्रैप हो गए, और अब आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल चिंताओं से भर गया। ये ओसीडी रिएक्शन है उसी इंसिडेंट का, उसी इवेंट का, जो कि आपने देखा, महसूस किया, हुआ, जिसकी वजह से आपका ऑब्सेशन ट्रिगर हुआ। अब माइंडफुल अप्रोच, माइंडफुल तरीका क्या है इसी एक्सपीरियंस को, इसी घटना को देखने का, ऑब्जर्व करने का, इसको महसूस करने का, उस पर जरा बात करते हैं, जो कि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सिग्निफिकेंट और बड़ा मिस्टीरियस भी लग सकता है, पर बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल होगा अगर आप इस एग्जाम्पल को भी समझ लें और इस तरह से समझें कि माइंडफुल अप्रोच कैसे काम करती है। माइंडफुल तरीके से इसी एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करना काफी अलग होता है, थोड़ा नहीं काफी अलग होगा। माइंडफुली देखने का मतलब यह है कि आप इस घटना में जो जो हुआ उसको आप केवल नोटिस करोगे, केवल ऑब्जर्व करोगे, जैसे जैसे जब जब जो हुआ, जब से शुरू हुआ और कैसे वो आगे बढ़ा, आप केवल उसे ऑब्जर्व करोगे। तो सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करोगे कि मेरे माइंड में ऑब्सेशन आ रहा है,
मुझे ऑब्सेशन महसूस हो रहा है, मेरा माइंड ऑब्सेस्ड हो रहा है उस घटना को लेकर जो कि जस्ट अभी हुई। तो पहले तो आपने अपने मन में आने वाली ऑब्सेशन को ऑब्जर्व कर लिया, आप सिर्फ उसे एक विचार की तरह देखते हैं जो कि एक विचार जस्ट आपके मन में आया। विचार से ज्यादा आप इसको और कुछ नहीं देखते, आप कोई और मीनिंग या जजमेंट देने की कोशिश नहीं करते, किसी और तरीके से इसको इवेल्युएट नहीं करते। तो आप ऐसे में क्या कहते हैं, अरे देखो वही विचार फिर से आ गया, फिर से मेरा दिमाग जो है ऑब्सेशन में जा रहा है, फिर से वही विचार आया और अब फिर मुझे घेरने की कोशिश करेगा। बस आपने इतना बोला। इसके बाद आप अपने अंदर जो एंग्जाइटी की फीलिंग्स हैं, बॉडीली सेंसेशंस हैं, जैसे ही ये थॉट आता है और इसके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है आप सोच रहे हैं, उसके इर्द गिर्द जो भी फीलिंग्स बॉडीली सेंसेशंस आ रही हैं, आप उनको नोटिस करोगे। तो आप खुद को क्या कहोगे कि मेरे को अभी घबराहट होनी शुरू हुई, मेरा मन जो है वो चिंता से घिर रहा है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है और मुझे थोड़ा थोड़ा स्वेटिंग भी महसूस हो रही है और थोड़े बहुत मेरे जो है हाथ पैर थोड़े से कांपने लगे हैं। आपने सिर्फ यह देखा और खुद को ऐसा बोल दिया और अपना मेंटली एक डिस्टेंस क्रिएट करके ऑब्जर्व करके ऐसा सोच लिया, खुद को कह दिया। अगर ये इस टाइप का ओसीडी आपका एक थीम है, मतलब अनइंटेंशनल हार्म ओसीडी, इस टाइप का ओसीडी आपको अक्सर होता है, इस टाइप के थॉट्स अक्सर आते हैं, तो आप उसमें ये भी जोड़ सकते हैं, ये भी कहेंगे कि अच्छा ये तो फिर वही वाला ट्रिगर मेरे को आ गया, रोज आते रहते हैं इस तरह के थॉट्स, ये फिर से मेरे को एक और नया थॉट आ गया और ये किसी तरह से मुझे इंडिकेट करेगा कि बहुत खतरे हैं, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, ये मेरे ऑब्सेशनल थीम ट्रिगर हो गई। आप ये बोल देंगे खुद को। इसके बाद क्या होगा, आपके अंदर एक अर्ज उठेगी, एक इच्छा उठेगी, तीव्र इच्छा एकदम से, कि मैं जाके जरा चेक कर लेता हूं कहीं सच में मैंने किसी को मार तो नहीं दिया, कहीं कुछ जो मेरे को डर लग रहा है कहीं वो सच तो नहीं है। अब ये आपके अंदर इच्छा उठेगी और आपका करने का मन करेगा। माइंडफुली इसको देखने का तरीका क्या होगा कि बजाय इस कंपल्जन को गिव इन करने के, मतलब इसको मानने के, इसको फॉलो करने के, आप सिंपली नोटिस करोगे अपनी अर्ज को जैसे ही वो आ रही है और जैसा वो आपको महसूस करा रही है। आप कहेंगे कि मुझे एक अर्ज आ रही है बहुत स्ट्रांग कि मैं उसको जाके चेक करूं और वेरीफाई करूं कि कहीं सच में किसी को मार तो नहीं दिया। आप जस्ट अपने को ये कहेंगे कि मुझे अर्ज आ रही है, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं जरा जाके चेक कर ही लेता हूं एक बार। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, आप खुद को अलाउ करते हैं उस अर्ज के साथ बने रहने के लिए, उस प्रेजेंट मोमेंट में अपने उस अर्ज को आने के लिए, उठने के लिए, और उसके प्रेजेंस में खुद को जो भी महसूस हो रहा है उसके साथ खुद को अलाउ करते हैं, क्योंकि आप कंपल्जन नहीं कर रहे, क्योंकि आप जाकर एक्चुअल में चेक नहीं कर रहे, तो अर्ज तो आपकी रहेगी पर उस अर्ज के साथ माइंडफुली आपको ऑब्जर्व करके बस उसी सिचुएशन में एज इट इज बने रहना है। इसमें यह भी होगा कि आप बार बार सोचेंगे नहीं कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सच में मैंने किसी को मारा नहीं मारा, ना ही आप किसी से रीअश्योरेंस लेंगे। हो सकता है ऐसे में कुछ लोग किसी के साथ अगर ड्राइव कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो वो दूसरों से रीअश्योरेंस लेना शुरू कर दें कि तुमने देखा था कहीं मैंने किसी को मार तो नहीं दिया, कहीं मैंने किसी को लुढ़का तो नहीं दिया, कहीं मैंने भाई रेड लाइट सिग्नल तोड़ तो नहीं दिया। तो ऐसे में ये भी एक कंपल्शन का पार्ट होता है कि आप रीअश्योरेंस सीकिंग करते हैं। इससे भी आप खुद को रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप जानते हैं ना मुझे चेक करना है ना मुझे किसी से पूछना है, कंफर्म करना है, मेरे को बस ये जो अर्ज आ रही है क्योंकि ये ओसीडी है, ऑब्सेसिव थॉट है, मन में रोज उठती हैं, आ रही है, एंजाइटी भी आ रही है, मुझे बस इसके साथ बने रहना है, इसको आने देना है और इसको फेस करना है। आप बहुत माइंडफुली अपनी इस अर्ज को ऑब्जर्व करते हैं बजाय कि वापस जाकर चेक करने के, और इसके बाद फिर आप प्रेजेंट मोमेंट में अपना अटेंशन फोकस कर देते हैं, मतलब आप ड्राइव करने पर फोकस करते हैं, आप फिर कोशिश करते हैं कि बस मैं ड्राइव करके निकल जाऊं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे बढ़ता जाऊं, गाड़ी अगर रोक दी है तो गाड़ी को दोबारा से चालू करो, गियर डालो और आगे बढ़ा दो, बजाय इसके कि रुके रहो और रुक कर बहुत देर तक परेशान रहो कि मुझे चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, आप अवेयर हो अपने प्रेजेंट मोमेंट के लिए, अपने अंदर जो भी फीलिंग सेंसेशन थॉट आ रही थी उनके होते हुए भी आप वहां से निकल जाते हो, ड्राइव करके आगे अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हो, बिना ये परवाह किए कि कोई सच में मरा है नहीं मरा है, कोई रेड लाइट क्रॉस की है नहीं की है, क्योंकि आप जानते हो कि ये ऑब्सेशन है, तो ऑब्सेशन को जानते हुए मानते हुए आप बस निकल जाते हो और जो भी आपके इंटरनली माइंड में थॉट्स फीलिंग्स जो भी आ रही हैं, ओसीडी रिलेटेड हो ना हो, जैसी भी हो, उसके साथ आप निकल जाते हो और
और साथ ही साथ आप अपने आसपास की दुनिया, आसपास के माहौल पर भी पूरा फोकस बना के रखते हो कि भाई कौन सी गाड़ियां आ रही हैं, किस रंग की गाड़ियां हैं, कितने लोग जो हैं आगे ड्राइव कर रहे हैं, लोग आना जाना कैसा चल रहा है, कहाँ पर ट्रैफिक पुलिस हवलदार खड़ा है, क्या है, कौन सी दुकानें, कौन से मकान हैं, कितना साफ रास्ता है, नहीं है, ड्राइव फास्ट कर रहे हैं लोग या धीरे कर रहे हैं, मैं फास्ट कर रहा हूँ, धीरे ड्राइव कर रहा हूँ, ये सारी चीजें जो भी आसपास की दुनिया की हैं इनको आराम से मजे से ऑब्जर्व करते हुए, पूरा प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हुए, अपना फोकस कंपल्शंस और ऑब्सेशन से हटाकर प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करके आगे निकल जाते हो, बढ़ जाते हो। तो ये हुआ आपका एक पूरा माइंडफुल एक्सपीरियंस OCD का। और ऐसे में आप अपने उस छोटे से OCD सिम्टम को, जिसके ऊपर आप इतने ऑक्यूपाइड हो सकते थे, ऑक्यूपाइड हो जाते हैं आमतौर पर, उससे बाहर निकलने का एक जरिया, एक तरीका ढूंढ लेंगे और अपने OCD को ओवरकम करने में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा एक माइंडफुल एक्सपीरियंस OCD का, सिम्टम का। ऐसे ही धीरे 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 प्रैक्टिस करके, बार 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 प्रैक्टिस करके आप मास्टरी हासिल करते हैं OCD की मैनेजमेंट पे, OCD के लक्षणों पे। छोटा सा ट्रिगर आपको उलझा सकता है, परेशान कर सकता है, आपकी पूरी साइकिल को ट्रिगर कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है, और ये छोटे से स्टेप्स माइंडफुलनेस के आपको उस जगह से, उस सिम्टम से दूर करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। बस एक ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल, नॉन जजमेंटल अवेयरनेस चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस चाहिए, माइंड को सही तरह से लेबल देना है कि भाई ये ऑब्सेशन है, थॉट है, ऐसा है, वैसा है, जस्ट ऑब्जर्व करना है, खुद को बोलना है और आगे बढ़ जाना है, जो भी काम कर रहे हैं उसको करते जाना है। ऐसे आप माइंडफुली OCD को ओवरकम करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, इसी वीडियो सीरीज को, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।